नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल के दो बेहतरीन मुकाबलों के बारे में। जो एक मैच था वो था फ्रांस वर्सेस बेल्जियम और दूसरा मुकाबला जो है वो पुर्तगाल वर्सेस स्लोवेनिया। पुर्तगाल वर्सेस स्लोवेनिया में जो कल इमोशनल कनेक्शन हुआ, बहुत सारे ड्रामेज हुए, उसके बारे में तो हम बात करेंगे। साथ में हम थोड़ा फ्रांस वर्सेस बेल्जियम, जो थोड़ा सा एक बोरिंग साइड ऑफ गेम की तरफ चला गया, क्योंकि उसमें ना इतने कुछ गोल्स पड़े, 1-0 से एक कह सकते हो रस्टी सी विन फ्रांस को मिली है। उन्होंने कुछ इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी और फ्रांस की टीम कल जरूर क्ल्यूलेस लग रही थी, और बेल्जियम की टीम तो खासकर कल बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस उनके फॉरवर्ड से। और ये जरूर कहना पड़ेगा कि ये जो जिस तरीके की हाइप इस मैच की क्रिएट हुई थी, उस हिसाब से तो ये मैच को बिल्कुल डिलीवर नहीं किया। कल फ्रांस की अगर टीम की बात करें तो उन्होंने 4-4-2 का सेटअप रखा था। जो कल जो एक सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस एक प्लेयर की रही है वो है जॉन कुंडे, जो कि एक बार्सिलोना के एक राइट सेंटर बैक के तौर पे खेलते थे। उन्होंने जो डिफेंसिव एबिलिटीज दिखाई और जो जिस तरीके से वो ऊपर विड्थ प्रोवाइड कर रहे थे वहां से ऊपर, ताकि वो गोल स्कोर कर पाए, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी वो जरूर उनकी प्रशंसा होनी चाहिए कि किस हिसाब से उन्होंने अपने जो है नर्व्स को काम रखा। और एक जो क्रॉस निकाला था जिसमें कोलू मुआनी ने एक डिफ्लेक्शन के साथ स्कोर कर दिया था गोल, उसमें भी उनका पूरा हाथ था। तो जॉन कुंडे जो बार्सिलोना के प्लेयर है, उन्होंने ऐसे नहीं, पहले बार्सिलोना के लिए भी उन्होंने बहुत प्रभावित किया है। तो एक बहुत कमाल की परफॉर्मेंस रही यहाँ पर कुंडे की। वही अगर हम दूसरी ओर चलते हैं, बेल्जियम के बारे में बात करते हैं, तो बेल्जियम की कल जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही, या फिर मैं बात करूं उनके जो फॉरवर्ड लाइन, उन्होंने बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करने की कोशिश करी फ्रांस को, बल्कि वो कह रहे थे फ्रांस को और चढ़ने के लिए कि वो और फॉरवर्ड चढ़े और उनको हम डिफेंड करें। और यही होना था। एक वक्त तो ऐसा आना ही था कि जब जहां फ्रांस जहां बेल्जियम कोई गलती करेगा, और उन्होंने उस गलती का फायदा उठाया और वो गोल पड़ गया। और उसी के साथ साथ जो लुकाकू की कल परफॉर्मेंस थी वह बहुत ही वेस्टफुल और बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस उनकी रही। ऐसा इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक स्ट्राइकर है वो, और सिर्फ उन्होंने जो कल पासेज भी निकाले, एक ही पास ऐसा था जो बिल्कुल एक करेक्ट उनका पास गया और जिसमें शायद एक चांस बना था। और जो क्लियर कट चांस जो कल बेल्जियम का बना, वो जो केविन डी ब्रुइने ने शॉट लिया। और केविन डी ब्रुइने की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो केविन डी ब्रुइने को जो सबसे बड़ी जो मैनेजर ने जो एक मिस्टेक करी, डोमिनिक टेडेस्को ने जो उनका मैनेजर है बेल्जियम के, उन्होंने उनको बड़ा डीप खिलाया। जबकि हमने देखा है कि जब केडीबी जो है वो फॉरवर्ड पोजीशंस पे खेलते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर खेलते हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी को ढंग से शो कर पाते हैं। हमने देखा लास्ट के कुछ क्षणों में जब उनको एक गोल की एटलीस्ट इक्वलाइजर तो चाहिए था, तब देख रहे थे कैसे बेल्जियम के जो है चांसेस वो बन रहे थे। वो सिर्फ वो उस क्षण के लिए दिखा, पूरे गेम के लिए वो बिल्कुल गायब था। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर बेल्जियम ने थोड़ा बहुत भी अटैक किया होता, उनके पास जो अटैकिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और जो फ्रांस कल एक उनका मैं कहूंगा कि वो अभी थर्ड ग्रेड में खेले हैं, वो कोई इतना खास नहीं खेले हैं, उन्होंने कुछ ऐसे अटैकिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनाए। लेकिन मैं अगर एक बात कहूं, अगर वहां फ्रांस के मैनेजर ये जरूर सोच रहे होंगे कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है, अगर एक 1-0 की विक्ट्री मिलती है तो एक बहुत सही विक्ट्री है। और वो क्योंकि आगे सुपर एट में क्या होता है, क्योंकि उनका मैच अब पुर्तगाल से होगा जो कि टफ मैच होगा, उसमें भी थोड़ा रहेगा कि कौन सी टीम आगे जा सकती है। अब बात कर लेते हैं पुर्तगाल वर्सेस स्लोवेनिया की। इस मैच में जो ड्रामा हुआ, इस मैच में जो पेनल्टी का जो रोनाल्डो ने मिस कर दी, उसके बाद जो वो रोए, थोड़ा इमोशनल कनेक्शन दिखा कि वो अपनी कंट्री से कितना प्यार करते हैं, और उसके बाद जो डियागो कोस्टा की जो परफॉर्मेंस थी अमेजिंग, जो उन्होंने तीनों पेनल्टीज जो सेव करी ना एंड में, यही होता है जब प्रेशर में मूवमेंट्स में जो बड़ी टीम, जैसे इंग्लैंड ने भी कल उस दिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लेकिन जूड बेलिंगम के बाइसाइकिल किक से उन्होंने उस मैच में अपने आप को जीवित रखा, और उसके बाद फिर हैरी केन ने हेडर मार के मैच जीत लिया। तो ये जो बड़ी टीम्स है ये मैचेस जीतना जानती है। जरूर उनके पास ज्यादा अगर अच्छी भी टीम हो, लेकिन आप जब 90 मिनट्स की बात करते हो तो ये टीम चांसेस बना लेती है। जरूर कल पुर्तगाल का कोई इतना बुरा गेम नहीं था, उन्होंने अच्छा गेम खेला, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन जो स्लोवेनिया ने डिफेंडिंग करी, और स्पेशली जो एक बंदे जो उनका गोलकीपर था,
उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया और उसकी परफॉर्मेंस की जरूर दाद देनी चाहिए। उनका नाम है जॉन ओब्लॉक। जॉन ओब्लॉक आने वाले टाइम में जरूर एक ऐसे गोलकीपर बन सकते हैं जो कि बहुत कमाल के उनके जो स्टैट्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से रोनाल्डो की पेनल्टी सेव करी अमेजिंग थी। और जरूर रोनाल्डो एक ऐसे हैं जो कभी भी पेनल्टीज ना ऐसे क्लच मोमेंट्स में ना मिस नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, जब उन्होंने सेकेंड टाइम जब रोनाल्डो को जब पेनल्टी शूट आउट में जो पेनल्टी मिली, उन्होंने उस पेनल्टी को कन्वर्ट करके ये साबित कर दिया। और उसी के साथ साथ डियागो कोस्टा की एक बेहतरीन और गोलकीपिंग जो एक उनकी स्किल्स थी उसकी वजह से वह आज जो रोनाल्डो की टीम है वो क्वालिफाई कर चुकी है सुपर एट्स के लिए, और उनका मुकाबला होगा पोर्तुगाल से। तो देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों टीम में से कौन आगे प्रोग्रेस करता है, क्योंकि दोनों टीम्स की अभी कुछ परफॉर्मेंस खास नहीं रही है। और चाहे कुछ भी कह लो, ये टीम दोनों टीम्स ने कुछ इतना खास प्रदर्शन करके दिखाया नहीं। तो आपकी क्या राय है इन दोनों मैचेस के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।